मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई युवाओं की सभा है, आवाज ऐसी नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, हिंदी को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री भोपाल श्री भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री वीडी शर्मा जी, श्री मोहन यादव जी, श्री इंद्र सिंह परमार जी, श्री अशोक वरसाने जी, श्री सत्यनारायण जटिया जी, श्रीमती मालती राय जी, श्री डॉक्टर अशोक खंडेलवाल जी, डॉक्टर रमाकांत देशपांडे जी, और आज इस कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देने आया हूं। मित्रों, आज का दिन आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का वर्ष है। आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। एक क्षण जो है, ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः निर्माण का क्षण है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करकर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। मित्रों, ये नई शुरुआत आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है, कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की शुरुआत करेंगे। मित्रों, आज मैं यहां पर जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग में मातृभाषा में शिक्षा, हिंदी में शिक्षा के समर्थक है, उनको कहना चाहता हूं कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को
अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे बढ़ेगी। मित्रों, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, घोषणा पत्र के अंदर ये जिक्र था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करेंगे, और फिर जब शिवराज जी की सरकार बनी, मोदी जी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है और आज ये नई शुरुआत हो रही है। मित्रों, इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया, MyGov पोर्टल पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक सर्वे भी किया गया, और बहुत मेहनत के साथ आज यहाँ पर उसका अनुवाद होकर सारे अभ्यासक्रम की पुस्तकों को रिलीज किया गया है। मित्रों, जो विद्यार्थी मेरे सामने हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सोचने की प्रक्रिया, किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने माँ की भाषा में ही होती है, अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है, तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो, तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो, तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। मित्रों, दादा भाई नवरोज जी ने 19वीं सदी में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी रखी थी। यहां से धन को खींचकर विदेशों में ले जाते थे, और 21वीं सदी में वही ताकतों ने ब्रेन ड्रेन करने की थ्योरी अपनाई। हमारा भारतीय बच्चों को उन्होंने अपनी भाषा में पढ़ाकर ब्रेन ड्रेन थ्योरी को आगे बढ़ाया। अब मोदी जी ब्रेन ड्रेन थ्योरी को ब्रेन गेन थ्योरी में बदल रहे हैं। आपका दिमाग इस देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, और इसका उपयोग अपनी मातृभाषा में कर आपकी चिंतन की क्षमता को, आपकी तर्क की क्षमता को, अनुसंधान की क्षमता को हम आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी ने भी कहा था, सिर्फ आजादी से कुछ नहीं होगा, रसायन शास्त्रियों, इंजीनियर और मेडिकल के डॉक्टर जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे, तभी जाकर वो देश की सच्ची सेवा कर पाएंगे, दुनिया की भी सच्ची सेवा कर पाएंगे। मुझे आज बड़ा आनंद है कि त्रिभाषा के फॉर्मूले को मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह ने बहुत मन से स्वीकारा है और आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी भाषाओं को महत्व देना शुरू हुआ है। JEE, NEET और UGC देश की 12 भाषाओं में एग्जाम देने की व्यवस्था, परीक्षा देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट 13 भाषाओं में, देश की 13 भाषाओं में आप दे सकते हो। 10 राज्यों ने
इंजीनियरिंग को भारतीय भाषा में तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयाली, गुजराती में अनुवाद कर इसकी शिक्षा भी आगे चल रही है और भारतीय सांकेतिक भाषा का भी मानकीकरण हो रहा है। मित्रों, जब आज टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर हिंदी की सुभग सुंदर और आज पहली बार शुरुआत हो रही है, तब मैं देश भर के सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अपनी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से निश्चित रूप से आपकी क्षमता का वर्धन होने वाला है, क्षमता बढ़ने वाली है और मैं आज देश भर के युवाओं का आह्वान करने चाहता हूं कि भाषा की यह लघु ग्रंथि से आप बाहर आ जाए। लैंग्वेज के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सहन करने की जरूरत नहीं है, पालने की जरूरत नहीं है। इस देश में अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अपनी भाषाओं में आप आपकी क्षमताओं का बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकते हो। भाइयों और बहनों, आज जब लैंग्वेज की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने की बात हो रही है, उस वक्त मोदी जी ने विश्व के मंच पर, मोदी जी विश्व के किसी भी मंच पर गए, उन्होंने अपना भाषण अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा हिंदी में देकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। और जब मोदी जी वैश्विक मंच पर हिंदी में बोलते हैं तो देश भर के युवाओं के आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के लिए ढेर सारे परिवर्तन लाई है। 2013-14 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या सिर्फ 387 थी और एमबीबीएस की सीटों की संख्या 51,000 थी और आज 21-22 में 387 से बढ़कर 596 कॉलेज आज देश में उपलब्ध है जहां मेडिकल पढ़ाया जाता है और इसके साथ सीटों की संख्या भी 89,000 बढ़ाने का काम किया है। आईआईटी 16 से बढ़कर 23 हुए, आईआईएम 13 से बढ़कर 20 हुए, आईआईआईटी 9 से बढ़कर 25 हुए और टोटल यूनिवर्सिटी 723 थी, उससे बढ़कर 1,043 यूनिवर्सिटी आज इस देश में काम कर रही है। मित्रों, आज ये नई शुरुआत हो रही है, इसको मैं स्वागत करता हूं और राजभाषा का विभाग भी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। मैं शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई, सारंग जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने ये शुरुआत की है और मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हमारी भाषाओं के गौरव को प्रस्तापित करने के लिए और हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो, इस प्रकार की व्यवस्था पूरे देश में खड़ी करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, मुझे विश्वास है कि पूरे देश में इससे एक बार क्षमता की क्रांति आने वाली है। मित्रों, कई सारे लोगों ने जो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करते थे, उन्होंने भाषा को बौद्धिक क्षमता के साथ जोड़ दिया। भाषा और बौद्धिक क्षमता का कोई लेन देन नहीं है, भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति करती है, बौद्धिक क्षमता बच्चे के अंदर ईश्वर ने दी है जो शिक्षा से उसको निखारनी है। अगर मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बौद्धिक शिक्षा, बौद्धिक क्षमता को निखारने में बहुत बड़ा फायदा होता है। आज मध्य प्रदेश के ढेर सारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में मेडिकल और 6 माह बाद अपनी भाषा में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है
कि आज जो शुरुआत हुई है इससे अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व में बहुत आगे जाएगा। हमारे बच्चों की भी क्षमता अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर अपनी स्वभाषा के कारण अनेक गुना बढ़ेगी और विश्व को इसका परिचय होगा, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री जी को ये इनिशिएटिव के लिए, ये विषय को शुरू कर उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिवराज जी और विश्वास सारंग जी को भी बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। फिर से एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिएगा, ये ऐतिहासिक क्षण है मित्रों, प्रचंड आवाज से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।